संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 कानूनों को समाप्त कर इनकी जगह नए कानून लाने के लिए विधेयक पेश किए हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान बनाए गए इन तीनों के हटने के बाद आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ये तीनों कानून भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत है जिनमें बदलाव किया जा रहा है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। मैरी मिलबेन ने अपने ट्विटर पोस्ट पर ये बात लिखी। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद अमेरिकी सिंगर ने ये ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है। राघव चड्ढा पर फर्जी साइन करवाने का आरोप लगा था, जिसके बाद विशेषाधिकार समिति का ये मामला भेजा गया था। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने गुरुवार को 5 राज्यसभा सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। अपनी सफाई में चड्ढा ने बीजेपी को चुनौती दी कि वे उनके कागज के टुकड़ा दिखाए जहां वे नकली हस्ताक्षर का दावा कर रहे हैं। मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं। बीजेपी ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें इस तरह की लाइनों का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस की परिवारवाद नीति, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और देश के विभाजन जैसी कई अन्य कार्यों पर सरकार ने तंज कसते हुए यह वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी अपने संबोधन में कई बार मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए नजर आए। बीजेपी द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। तुमने खोली एक दुकान, क्या क्या रखा है सामान, ये तो बता दो, ये तो बता दो। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है, दशकों से देश हवाले। तोशखाना मामले में इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से पड़ोसी देश में हालत हिंसक बने हुए हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कई जगह प्रदर्शन और हिंसा की। तोशखाना भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तानी कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान गिरफ्तार किए गए थे। इस बीच उनके वकील ने बताया है कि बृहस्पतिवार को इमरान की पत्नी बुशरा बीवी ने इमरान से मुलाकात की। इमरान के वकील नईन हैदर पंजुता के ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष यानी इमरान खान ने अपनी पत्नी से मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली।